Hi viewers, good morning. This is NJ here. Let's view use of how to in speaking. Guys and girls, assalamu alaikum. Aaiye aaj hum how to se jumle dekhte hain. In jumlon ka istemal bahut zyada angrezi bolchal mein kiya jata hai. Let's guys have a look on the whiteboard behind. Here we are. First one is he knows how to bargain. वो हुक्म का करना जानता है. He knows how to bargain. बहुत ज़्यादा मुस्तमिल जुमला है और ये फ्रेज कॉमनली स्पीकिंग में बोला जाता है. He knows how to bargain. वो हुक्म का करना जानता है. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज बॉयज नो हाउ टू एंड कैम. बॉयज नो हाउ टू एंड कैम. लड़के हैमर नहीं जानते हैं. बॉयज नो हाउ टू एंड कैम. बॉयज नो हाउ टू एंड कैम. लड़के हैमर नहीं जानते हैं. बॉय स्काउट्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो तुलबा एक्सकर्शंस के लिए निकलते हैं, टूर्स के लिए निकलते हैं और वो हिली और जो है सीइंग एबल साइट्स पे एंड कैंपिंग करते हैं, खैमाजनी करते हैं, तो खैमाजनी एक स्किल है, उसमें महारत होनी चाहिए. और इस सिलसिले में ये जुमला बड़ा कॉमन है. मुख्तलिफ हवालों से रिलीफ टीम्स फार फेच्ड एरियाज़ में और बैरन एरियाज़ में भेजी जाती हैं, हिली एरियाज़ में भेजी जाती हैं, तो उन्हें वहाँ पे कैंपिंग की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे कैंपिंग के लिए एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जिन्हें नो जिन्हें इसका मालूम होता है कि कैसे कैंप लगाने हैं, तो इस सिलसिले की एक कड़ी है और ये जुमला कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है. स्काउट्स boys know how to encamp. Boys know how to encamp. Scouts know how to encamp. लड़के स्काउट्स हेमजनी जानते हैं. अगला जुमला देखिए. She knows how to compete. She knows how to compete. She knows how to compete. वो मुकाबला करना जानती है. She knows how to compete. वो मुकाबला करना जानती है. ख्वातीन के बारे में, ख्वातीन आज के ज़माने में ख्वातीन मर्दों के इक्वल शाना बिशाना हर शोबे ज़िंदगी में अपने फ़राइज सर अंजाम देती हैं. इसी तरह स्पोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनमें ख्वातीन भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं. तो उसी हवाले से ये जुमला है. She knows how to compete. वो मुकाबला करना जानती है. अगला जुमला देखते हैं. We know how to swim. हम तैरना जानते हैं. ये इंतहाई कॉमन है, मारूफ है स्विमिंग के हवाले से, स्विमिंग के कंपटीशंस के हवाले से, या जनरली आमतौर पे कॉमनली जो कैनाल्स में रिवर्स में स्विमिंग की जाती है, पूल्स में पॉन्ड्स में, तो उस सिलसिले की ये कड़ी है और ये जुमला काफ़ी मुस्तमिल है. We know how to swim. हम तैरना जानते हैं. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. They know how to react. वो रद्द अमल देना जानते हैं. They know how to react. तो ये भी कॉमन है. मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मुख्तलिफ अफेयर्स जो हैं उन पे जब कोई एक्शन लिया जाता है तो उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है. तो इसी तरह इंसानों के अंदर डिवीजन्स होती हैं, पॉलिटिकल डिवीजन्स, एनवायरमेंटल डिवीजन्स, एजुकेशनल डिवीजन्स, थिंकिंग डिवीजन्स. तो उस हवाले से मुख्तलिफ तबकात के दौरान एक कंपटीशन रहता है, एक डायलॉग चलता है. तो उस हवाले से ये जुमला काफ़ी मारूफ है.
दे नो हाउ टू रिएक्ट। वो रद्द अमल देना जानते हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। आई नो हाउ टू मेक टी। मैं चाय बनाना जानता हूँ। चाय बनाना भी एक फन है और इस हवाले से ये कॉमन है। आई नो हाउ टू मेक टी, मैं चाय बनाना जानता हूँ। बनिस्बत इसके के बाहर टप शॉप्स पे, टी स्टॉल्स पे जाके चाय पी जाए, अगर इंसान अपने हाथ से चाय बनाए तो उसमें कुछ जायका ही और होता है, क्योंकि वो अपनी पसंद से, अपने अंदाजे से, अपने टेस्ट के हवाले से चाय बना लेता है। तो उस हवाले से जुमला काफ़ी मारूफ है। आई नो हाउ टू मेक टी, मैं चाय बनाना जानता हूँ। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हु नोज हाउ टू कन्विंस हर। उसे कौन कायल करना जानता है। ये क्वेरी है, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ रेफरेंस से, अगर किसी को किसी बात के हवाले से कन्विंस करना हो, कायल करना हो, तो उस हवाले से जुमला जाना जाता है। और ये क्वेरी है, हु नोज हाउ टू कन्विंस हर, कौन जानता है कि उसे कैसे कायल करना है, उसे कौन कायल करना जानता है। हु नोज हाउ टू कन्विंस, उसे कौन कायल करना जानता है। गाइस, इंतहाई खूबसूरत फ्रेजेस हैं और इनमें हाउ टू का इस्तेमाल हुआ है। वेरी कॉमनली इन्हें इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स हैव अ से अगेन टुगेदर। फर्स्ट वन इज ही नोज हाउ टू बार्गेन, वो मुकमुका करना जानता है। नेक्स्ट वन इज बॉयज नो हाउ टू एंड कैन, लड़के खैमा जनी जानते हैं। बॉयज नो हाउ टू एंड कैन, लड़के खैमा जनी जानते हैं। नेक्स्ट इज शी नोज हाउ टू कम्पीट, वो मुकाबला करना जानती है। नेक्स्ट इज वी नो हाउ टू स्विम, हम तैरना जानते हैं। नेक्स्ट इज दे नो हाउ टू रिएक्ट, वो रद्द अमल देना जानते हैं। एंड नेक्स्ट इज आई नो हाउ टू मेक टी, मैं चाय बनाना जानता हूँ। एंड लास्ट वन इज हु नोज हाउ टू कन्विंस हर, उसे कौन कायल करना जानता है। यू गाइस, यू हैव टू मेक अ गुड प्रैक्टिस विद दिस शॉर्ट phrases and query. I hope doing so you would be able to speak a good English. See you again. Goodbye.